हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में हुए कांस्टेबल के एग्ज़ाम को, और ये एग्ज़ाम हुआ है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और ये आपका एग्ज़ाम है इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर का। ये आपका एग्ज़ाम हुआ है 23 दिसंबर को, और इस वीडियो में हम इसमें पूछे गए सभी 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि ए का मतलब मल्टीप्लाई है, बी का मतलब डिवाइड है, सी का मतलब प्लस है और डी का मतलब माइनस है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 0, तो 20 में आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ा 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 के लिए माध्य से माध्य विचलन है, यानी आपको मीन डेविएशन निकालना है इस डाटा का, तो इसमें आपका आंसर आएगा 2.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ा है एक, तो इसमें आंसर आएगा घोड़ा एक विषम संख्या में उंगली वाला खुर, तो डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता हैं, तो इसमें आपका आंसर आएगा बलदेव राज महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें आंसर आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो इसमें आंसर आएगा बाबा रामदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किसके कारण से होती है, तो इसमें आंसर आएगा नदी के जल अंतर्वरण से, यानी ज्यादा नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है उसके कारण वहां पर नमक की मात्रा कम पाई जाती है। नेक्स्ट है हाल ही में इस देश ने उनके यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया, तो इसमें आंसर आएगा मॉरिशियस सरकार ने, तो डी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जोड़ा चुनिए जो संख्याएं उसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित है जिस प्रकार 724 से है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 2372। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन विवाहित युगलों को एक सिनेमा हॉल में 6 सीटों पर एक पंक्ति में बैठाना है, यदि पत्नी पत्नी पति पत्नी को एक दूसरे के आगे बैठाना है तो उन्हें कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, तो इसमें आंसर आएगा 48 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जीपी का क्वेश्चन है, यदि पहले तीन पदों का योग 13/12 और उनका उत्पाद -1 है तो सामान्य अनुपात है, तो इसमें आपका आंसर आएगा -3/4 और -4/3, तो ए इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगाली करने वाले का आमाशय डैश यानी कितने भागों में बटा होता है, तो इसमें आंसर आएगा 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आरोप न्यायालय द्वारा बनाया जाता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा क्रोम एक सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, तो इसमें आंसर आएगा चंद्रवती, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी, तो इसमें आंसर आएगा अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शब्द चुनिए जो समूहों में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है, तो इसमें आपका ये क्वेश्चन हो सकता है जैसे गाय, हिरण और बकरी, ये आपका स्त्रीलिंग है, इसमें गधा आपका आंसर हो सकता है, या आपका हिरण इस प्रकार से हो सकता है कि भाई ये आपके डोमेस्टिक हो सकते हैं कि भाई तीनों को घरों में पाला जा सकता है, तो इसमें हिरण भी आपका आंसर हो सकता है, तो आपका गधा और हिरण में से आपका एक आंसर इसमें आएगा। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन दो बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व की प्रथम और सबसे कम आयु वाली महिला है, तो इसमें आंसर आएगा संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने गुगा कथा के संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने का योगदान किया, ये आपकी 1895 की बात है, तो इसमें आंसर आएगा विलियम क्रुक ने, तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसे मतदान आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो यह किया गया था 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, यानी 61वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखन को दिया गया है, तो इसमें आंसर आएगा आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा को, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल शुद्ध आभासी प्रकार वाले वर्ग क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है सार वर्ग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैथ का है, तो इसमें आपको पी बी बाय ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आंसर आएगा 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में कुंजी शब्द नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा थ्रो शब्द इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में यूएसए द्वारा इराक पर आक्रमण करने के लिए प्रयुक्त एक कूट नाम था, तो इसमें आपका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलगावी में हुआ एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिक भारत और किस देश के बीच में हुआ, तो यह हुआ था भारत और मालदीव के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी, ये आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर बताना कि यहां पर क्या आएगा, तो इस जगह पर आएगा STU, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहां पर स्थित है, तो यह मंदिर स्थित है खांडसा में, और अगर आपसे राज्य पूछ लिया जाए, जिला पूछ लिया जाए, तो ये खांडसा आपका गुड़गांव जिले में आएगा, गुड़गांव सिटी के सेक्टर 31 के पास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रोग्राम के निर्गत सम का अनुमान लगाइए, तो आपको ये सम बताना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 25D, ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत द्वारा कितने पदक जीते गए, कितने स्वर्ण पदक जीते गए, तो इसमें आंसर आएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव डैश के प्रसार पर लक्षित है, तो इसमें आंसर आएगा मार्शल आर्ट और लोक कला, तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, भारत में मैगजीन का अग्रणी उत्पादक है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ओडिशा, तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, पाइथन में समान प्रधानता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो यह किया जाता है बाएं से दाएं, यानी लेफ्ट टू राइट, तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स का मतलब है, बी से आपका ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक 20 सेंटीमीटर वाले फोकल लंबाई के उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर वर्कता त्रिज्या के एक उत्तल लेंस के साथ सम अक्ष पर रखा गया, उन दोनों को 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, एक बिंदु वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष 60 सेंटीमीटर पर खड़ी रखी गई, इस संयोजक द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो इसमें आपका आंसर आएगा करेक्ट 30 सेंटीमीटर, तो सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट में आपको मीन डेविएशन निकालना है, माध्य से आंकड़ों 3, 10, 10, 4, 7, 10, 5 का माध्य विचलन क्या होगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 2.57, बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता, तो इसमें आंसर आएगा महाकवि कालिदास सम्मान, यह नहीं दिया जाता, तो आपको यह भी याद रखने कौन से दिए जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि सम्मान, महाकवि बाणभट्ट सम्मान, महर्षि वेदव्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी विवाहित युगल है, एक्स और वाई भाई है, एक्स ए का भाई है, तो इस प्रकार से वाई भी ए का भाई है, और वाई और बी किस प्रकार से संबंधित है, तो इसमें आपका आंसर आएगा यह होगा ब्रदर इन लॉ, यानी बहनोई, बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के बीच 4 बस मार्ग है, बी और सी के बीच 3 बस मार्ग है, एक व्यक्ति ए से सी बी से होते हुए कई तरीकों से जा सकता है, यदि वह एक बस मार्ग को एक से ज्यादा बार प्रयोग नहीं करना चाहता तो वह कितने तरीकों से आ जा सकता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा बेहतर तरीकों से, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है, तो इसमें आंसर आएगा महेंद्रगढ़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपका पहला पॉइंट है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, तो ये भी आपका करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो के लिए आह्वान किया, ये आपका गलत है, ये आपका दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और ये आपका 1942 में दिया गया था, तो ये आपका पॉइंट गलत है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपके ठीक है, और इसी कारण 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इस डेट को महत्व देने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, यदि 30 ओम प्रतिरोध और 2 MA विद्युत का एक गैल्वेनोमीटर पूर्ण पैमाना विचलन देता है, आप इसे एक 0.2 वोल्ट श्रेणी के एक वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, तो इसमें आंसर आएगा 70 ओम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए,
तो डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट इसमें डैश द्वारा विभाज्य है, तो ये विभाज्य है 5 के द्वारा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है गेहूं की बैंकिंग बेकिंग गुणवत्ता ग्लूटेन के कारण होती है, तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है एक मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को इनमें से किसके जांच के निर्देश देने की शक्ति है, तो इसमें आंसर आएगा एक संज्ञेय अपराध के जांच देने की निर्देश देने की शक्ति है, तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा इनमें से इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड, ये आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कार्य जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है, यानी इनमें से कौन सा नहीं किया जाता है। आपका पहला पॉइंट है चुनावों की अधिसूचना जारी करना, ये किया जाता है। चुनावी नामावली तैयार करना, ये किया जाता है। अभ्यर्थियों का नामांकन करना, ये नहीं किया जाता, तो इसमें आपका आंसर आएगा सी। और नमूना आचार संहिता लागू करना, ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको जो कौन सा कथन सत्य है, सत्य है, असत्य नहीं, जो कौन सा करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें है मॉडर्न एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलता है और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है, ये आपका करेक्ट है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, यह किया गया था 2005 में। नेक्स्ट गैलेना क्या है, गैलेना आपका इसका केमिकल फॉर्मूला PBS, बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया, तो इसमें आंसर आएगा होशियार सिंह दहिया ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 के दौरान कौन से केंद्रीय मंत्री रहे थे, ये रहे थे रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूस्ट बोर्नविटा हॉर्लिक्स आदि ऊर्जा समृद्ध पेयों में अनुपूरकों के रूप में किस फसल का माल्ट निचोड़ प्रयुक्त होता है, तो इसमें आंसर आएगा जो का यानी बार्ले का, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव रखी गई थी नेकचंद सैनी के द्वारा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा रहने वाले राज्यपाल थे, तो सबसे ज्यादा टाइम तक गवर्नर बने थे लंबे समय तक वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती या BN चक्रवर्ती, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां पर हुआ था, ये हुआ था बेलग्रेड में, ऑप्शन ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने सांवले पड़ने और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है, तो इसमें आंसर आएगा UVB किरण, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित गर्भाशय की एक परत नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा ये आपकी ABC जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं एंड्रोमेट्रियम मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये तीनों परत है, आपका आंसर आएगा डी एक्टोमेट्रियम, ये इसकी परत नहीं है, तो आपका आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संवर्धन में जीवाणियों की संख्या प्रति घंटा दोगुनी हो जाती है, यदि मूल रूप से संवर्धन में 30 जीवाणु उपस्थित है तो चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित होंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 480। नेक्स्ट इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू आएगी 198, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अपराध की जांच, एक अपराध की जांच पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से IP एड्रेस पहचानिए, तो इसमें आपका IP एड्रेस है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का लोक थिएटर का जनक कहा जाता है, तो आपका लोक थिएटर का जनक कहा जाता है दीपचंद बहमन को, तो इसमें आपका आंसर हो सकता है दयाचंद, या इसने गलती से लिख दिया हो, तो ये आपका हो सकता है दीपचंद बहमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित ग्रह प्रभाव के कारण होता है, तो यह होता है इंफ्रारेड किरणों के द्वारा, इंफ्रारेड रेज के द्वारा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो है क्वेश्चन मार्क वाली जगह फाइंड आउट करनी है, ये आपका -1 का क्यूब है, ये आपका 0 का क्यूब, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब 64। इसमें आपको बताना है एक्स की वैल्यू ये एक अंतराल में है, तो इसमें आपका आंसर आएगा -3, 7, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान पर रखती है, तो इसमें आंसर आएगा गेहूं, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन डैश में एक मेगा फूड पार्क विकसित करेगा, तो तीसरा फूड पार्क विकसित किया जाएगा बड़ी में,
और ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि बड़ी कहां पर है, बड़ी आपका सोनीपत जिले में स्थित है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राजा पशु है, तो काला हिरण इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, यह क्या कहलाता है, तो इस दर्द को कहा जाता है एंजिना पेन, तो इसमें आपका आंसर आएगा एंजिना पेक्टोरिस, तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, समुच्चय ए पहले पासे पर 6 प्राप्त करने की घटना है और समुच्चय बी दूसरे वाले पर 2 प्राप्त करने की घटना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी इसका मान बताना है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा 1/36, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 ताश के पत्तों को पत्ते केक पैक में से 4 कार्ड इस प्रकार से चुनने के तरीके की संख्या की चारों कार्ड एक ही रंग के हो, तो इसमें आपका आंसर आएगा 2860, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की विधानसभा कहां पर स्थित है, यह स्थित है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट आपको ये कंप्लीट करना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा MONP, 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 तो ये आपका इसमें फिल करने के बाद आएगा MONP, डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, 65 लोगों के एक समूह में 40 क्रिकेट को पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस को पसंद करते हैं, उन लोगों की संख्या जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, वह कितनी होगी, तो वह होगी 15, डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है, तो फुलकारी का एक प्रकार नहीं है मूढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका पहला पॉइंट है सार्क सदस्य साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पहला सम्मेलन बेंगलोर में हुआ, ये आपका गलत है, इसका पहला सम्मेलन हुआ था ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट, इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ये करेक्ट है, और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी, तो ये भी आपका करेक्ट है, तो आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीढ़ी से संबंधित है, तो पीढ़ी जो आपका पीढ़ा होता है, पीढ़ी ये आपका घरों में यूज होता है, तो ये होता है फूड स्टूल क्राफ्ट, तो सी मचिया यानी सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, हीटर को अगर इस प्रकार से लिखा जाता है तो कूलर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसमें ए आपका करेक्ट आंसर आएगा, कूलर को लिखा जाएगा FLRIHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत विभव के अंतर्गत कलिलीय कणों की गति क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है वैद्युतीय कण संचलन, तो डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं विकास बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो यह शुरू किया था ऑपरेशन मुस्कान, नेक्स्ट सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक मिसाइल है, तो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रिया रोधी निम्नलिखित में से चुनिए, तो इसमें आंसर आएगा हमारे शरीर पर त्वचा, तो ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार के आंकड़े को दूसरे में बदलने की एक स्पष्ट प्रक्रिया है, तो इसमें आंसर आएगा टाइप कास्टिंग, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा असेंबली भाषा, सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के और हिंदी लैंग्वेज के, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा द मास्टर इंक्वायरीज इफ ही हैज सीन द मैप, तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड बी क्वेट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, तो इसमें आपका आंसर आएगा ही अर्ज डेम टू बी क्वेट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, तो बी आपका इसमें करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, ही डैश टू विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन, तो इसमें आंसर आएगा ही हैड टेकन, तो डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। आपके ये तीन हिंदी के क्वेश्चन है, कुत्ते ने बिल्ली को मारा, इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है, ये कारक है कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किसी का उपकार न माने उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विशेषण है, तो गोल एक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन, बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स, तो इसमें आंसर आएगा व्हेन द विजिटर्स एंटर्ड, तो बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर सो लेट, तो इसमें आंसर आएगा दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, तो सी आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सून एज दिस स्पीच स्टार्टेड, तो इसमें आंसर आएगा द
डेमोन्स्ट्रेटर्स रश टू द प्लेटफॉर्म, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है राम खाना खाएगा, इस वाक्य में कर्मवाच्य का रूप क्या आएगा, तो इसमें आंसर आएगा राम से खाना खाया जाएगा। और शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, और ये आपका 39 होता है, तो सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। और आप स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाने से हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, आप इसे जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोज पा सकते हैं। थैंक यू।